इंडस्ट्री में मजा आ रहा है पॉलिटिकल या फिर फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि आप मूवी में भी एक आ चुके हैं, आपने डेब्यू किया था, तो किस इंडस्ट्री में आपको ज्यादा मजा आ रहा है? ऑब्वियस है, उस इंडस्ट्री में क्या हाल हुआ था देखा ही था। सो डेफिनेटली ये क्या है, मैं एक सेकंड लेता हूँ ये बताने के लिए। घर परिवार में देखा ही ये तो सबसे ज्यादा सहजता से यही आता है। और मैं जिस दौर का हूँ, हमारे जमाने में इतना क्या पुराना नहीं, बट फिर भी 4 दशक तो मैं देख ही चुका हूँ। तो हमारे जमाने में क्या, पिता के नक्शे कदमों पर चलना अच्छा माना जाता था। अच्छे बेटा या बेटी के वो लक्षण माने जाते थे कि देखो पिता के नक्शे कदमों पे चल रहे हैं। इसको कब नेपोटिज्म का नाम दे दिया गया और पिता के नक्शे कदमों पे चलने को कब गलत मानने लग गए, ये मुझे पता ही नहीं चला। बट हैविंग सेड इट ऑल, आई वाज वेरी क्लियर राइट फ्रॉम डे वन कि इवेंचुअली आना पॉलिटिक्स में ही है। मूवीज में जाने का एक छोटा सा शौक था, प्रयास किया था, बट आई एम डन एंड डस्टेड विद दैट। अब राजनीति में हूँ और ये पार्ट टाइम हो नहीं सकता। आपको पूरे समर्पण भाव से, जब तक आप जनता के साथ नहीं जुड़ेंगे आप उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, यही प्रयास मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आप ये कलावे और अंगूठी बहुत सारे पहनते हैं, इसके पीछे की कोई खास वजह? क्योंकि मैंने कई बार नोटिस किया है और मेरे दिमाग में कई बार क्वेश्चन भी आया है ये कि इतने सारे कलावे अंगूठी पहनने का, अगर आप बताना चाहें तो। नहीं बिल्कुल, बहुत व्यक्तिगत प्रश्न है क्योंकि ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सारे की नहीं जानी चाहिए। धार्मिक हूँ, स्पिरिचुअल हूँ बहुत ज्यादा, मोर देन रिलीजियस बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हूँ। ध्यान बहुत करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ और पूजा पाठ में विश्वास रखता हूँ और इसीलिए हाथ पे ऐसा बांधता हूँ। जब अपने बुरे दौर से गुजर रहा था उस वक्त मेरी इस आस्था ने ही, मेरे इस विश्वास ने ही मुझे बहुत धैर्य दिया, बहुत ग्रेविटी दी, मुझे बहुत संभाले रखा। तो ये चीजें मुझे बहुत स्थिर रखती हैं। ना जीत में बहुत ज्यादा तो उत्साहित होता हूँ, ना हार में बहुत ज्यादा मायूस होता हूँ, तो बैलेंस रखती है मुझे मेरी आस्था और इसीलिए इस पर विश्वास रख के आगे चलता हूँ।